गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम काव्यखंड से चैप्टर 8 बादल को घिरते देखा है, तो आज हम उसी की व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम कविता पाठ। दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृत को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ जो कवि नागार्जुन जी हैं उनका क्या कहना है कि दुर्गम, दुर्गम मीन्स जहाँ पहुँचना कठिन होता है, बर्फानी बर्फीली जो घाटियाँ हैं हिमालय पर्वत की, उस पर सत सहस्त्र, सत मीन्स सैकड़ों, सहस्त्र मीन्स हजारों फुट ऊंचाई पर, अलख मीन्स अपनी ही नाभि से जो सुगंध आती है कस्तूरी मृग की, जो कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है उसके लिए बताया है कि निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक मतलब जो मस्त करने वाली जो परिमल, परिमल मीन्स होती है सुगंध, उस सुगंध से मस्त करने वाली जो सुगंध है उसी को लेकर के वो उस जो हिरण है वो उसके पीछे पीछे दौड़ता भागता है। तरल तरुण कस्तूरी मृग को, उस तरल मीन्स चंचल, तरुण युवा, युवा जो मृग है, छोटा जो मृग है उसकी नाभि में जो कस्तूरी है, कस्तूरी मृग मतलब कस्तूरी मृग जो होती है वो हर किसी मृग के नाभि में नहीं होती, किसी किसी में होती है, तो जिसकी में कस्तूरी होती है उसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। तो उसके लिए बोला है कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, जब वो उस सुगंध को नहीं पा पाता है और उसके पीछे भागता रहता है तो वो अपने पर ही चिढ़ जाता है और खींच जाता है। तो मैंने ऐसे दृश्यों को भी वहाँ पर हिमालय पर्वत पर देखा है और बादलों को मैंने उमड़ते घुमड़ते हुए देखा है, तूफानी हवाओं से टकराते हुए देखा है। इसके आगे है, कहाँ गया धनपत कुबेर हुए, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभाई गंगा जल का। तो यहाँ कवि का क्या कहना है कि वो जो धनपति कुबेर, जो धन का स्वामी कुबेर कहाँ चला गया और कहाँ गई उसकी वह अलका, जो ऐश्वर्य की नगरी जो अलका कहाँ चली गई, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभाई गंगा जल का। और जो आकाश से जो धरती पर प्रभावित होने वाली जो बहने वाली जो गंगा की नदी, गंगा नदी उसका जल कहाँ चला गया, उसके लिए जो आकाश से जो प्रभावित होती है और नीचे धरती पर आती है जो गंगा की जल की धारा वो कहाँ चली गई। उसके आगे, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया मैं बरस पड़ा होगा नहीं पर। तो यहाँ उन्होंने कभी क्या कहते हैं, मैंने उसे बहुत ढूंढा, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, मुझे उस मेघदूत का बिल्कुल पता ही नहीं लगा, अब उसके विषय में मुझे कौन बताएगा, शायद बरस पड़ा होगा यहीं कहीं पर, उन्होंने फिर इस तरह का। तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है, ये मेघदूत ये काव्य है उनका, जिसमें जो एक यक्ष होता है वो मेघ को दूत बना करके अलकापुरी में भेजता है, उसी पर ये उन्होंने लिखा है इसमें मेघदूत। तो आगे वो कहते हैं कि जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुंबी की लाश शीश पर महा मेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आगे कहते हैं कभी नागार्जुन जी कि मैंने तो उन भीषण जाड़ों में, यहाँ पर शरद ऋतु की बात आ जाती है कि यहाँ उन्होंने कहा कि कौन बताए हुए छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, मतलब वो यहीं कहीं बरस पड़ा होगा, जाने दो वह तो कवि की कल्पना हो गई, ये तो केवल कवि की कल्पना थी। तो मैंने तो शरद ऋतु में क्या देखा है कि आकाश को छूने वाले
कैलाश पर्वत पर, कैलाश शीर्ष पर, नवचुंबी मीन्स आकाश को छूने वाले कौन महामेघ, महामेघ मीन्स जो विराट बादल हैं उनके लिए उन्होंने बोला है कि वो झंझानील से, झंझानील मीन्स तूफानों के साथ जो विराट बादल हैं उनका कहना है कि कभी का वो, मैंने तो उनको उनके साथ बादलों को तूफानों के साथ भी गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है, बादल को मैंने गरजते उमड़ते हुए देखा है। सत सत निर्झर निर्झणी कल, मुखरित देव दारुकानन में, सोड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। कभी का यहाँ कहना है सत सत मतलब सैकड़ों जो झरने हैं नदी हैं वो कल कल की आवाज करते हुए मुखरित होकर के देवदार के वन में, जंगल में, देवदार के जंगल में, सोड़ित, सोड़ित मीन्स होता है लाल रंग और धवल मीन्स होता है सफेद, लाल रंग के सफेद भोज पत्रों से। भोज पत्र क्या होता है कि ये पर्वतों पर ही पेड़ होता है जिसकी छाल पर पहले लोग लिखा करते थे, तो भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, उससे एक कुटी को, भोज पत्रों से कुटी को छाया गया है और उसमें क्या है, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्र नील की माला डाली। तो जो भोज पत्रों से उन्होंने जो कुटी को छाया हुआ है उसमें रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से उन्होंने कुंतल को, कुंतल मीन्स बालों को सजाया हुआ है, और इंद्र नील की माला डाले उन्होंने अपने गले में, शंख सरीखे सुघड़ गले में, जो शंख के समान जो सुंदर उनकी जो गर्दन है गला है उसमें इंद्रनील की माला उन्होंने पहनी हुई है। इंद्रनील क्या होता है, जो पन्ना होता है रत्न है उसकी उन्होंने माला पहनी हुई है, और कानों में कुबलय लटकाए, और उन्होंने अपने कानों में कुबलय मतलब कमल लटकाए हुए हैं, कमल जो कि एक नीला वो होता है, नील कमल होता है, इसे नील कमल कहते हैं, नीला रंग लिए होता है वो उन्होंने अपने कानों में लटकाए हुए हैं। आगे, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रंचित मण खचित कला में, पान पात द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जो सतदल मतलब सैकड़ों जो कमल की जो पंखड़ियाँ हैं, सतदल मीन्स सैकड़ों कमल की जो पंखड़ियाँ हैं लाल रंग की, लाल कमल वेणी में उन्होंने सजा रखे हैं अपनी, वेणी मीन्स होता है चोटी, चोटी में उन्होंने सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल अपनी चोटी में सजाए हुए हैं। ये कौन है, ये किन्नर किन्नरियां हैं उनके विषय में बताया गया है, और बात को काफी बढ़ा चढ़ा करके भी अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है यहाँ कवि ने। रजत रचित मतलब चांदी से जो बना हुआ, और मणिखंचित कलामय और मणियों से जड़ा हुआ, जो मतलब जो पान पात्र है, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। तो जो पान पात्र है द्राक्षा सब, द्राक्षा सब क्या होता है कि अंगूर की से बनी हुई जो शराब है उससे वो पूरित मतलब पूर्ण पूरी तरह से भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं और उनके सामने रखे हुए हैं। कलामय हो रहा है, वो सुशोभित हो रहे हैं, चांदी से बने हुए पात्र और मणियों से जड़े हुए जो पात्र हैं पान पात्र वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। आगे, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छाला पर पलती मारे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जो उनके सामने शराब के जो पान पात्र रखे हुए हैं वो कैसे हैं, लोहित, लोहित मीन्स लाल रंग के, लाल चंदन की त्रिपदी पर, त्रिपदी मतलब होती है तीन पाओं की जिसमें तीन पाए होते हैं उस पर है ना वो रखे हुए हैं, और मृग छालों पर पलथी मारे, जो मृग छाला है उस पर वे पलथी मार के बैठे हैं। कैसी है वो, नरम मुलायम है, निदाग है, दाग रहित है, बाल कस्तूरी, बाल कस्तूरी क्यों कहा है, क्योंकि जो छोटा मृग होता है बाल, बाल बालक का रूप होता है इस तरह, इसी तरह बाल मृग जो है उसकी मृग छाला पर के, और वो कस्तूरी मृग है उसकी मृग छाला पर वो पालथी मार करके, चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं।
मदरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। तो यहाँ कभी आगे क्या कहते हैं कि जो मदरा पान से जो उनकी आँखें हैं मस्ती में लाल हो रही हैं, उन्मद मीन्स होता है मदमस्त, जो मदरा पान करने के बाद उनकी आँखें हैं किन्नर किन्नरियों की, जो कि मस्ती में लाल हो गई हैं, जो किन्नर जाति के जो स्त्री पुरुष और युवतियां हैं उनकी स्थिति के बारे में ये सारा कुछ बताया है कि मृदुल मनोरम अंगुलियों को उन्होंने, उनकी जो कोमल और सुंदर जो अंगुलियां हैं उनसे वो बंसी को बजा रहे हैं। मैंने इस तरह के दृश्य भी उस हिमालय पर्वत पर मैंने उनको देखा है। तो ऐसा पहले वहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। और मैंने वहाँ बादलों को देखा है उमड़ते घुमड़ते, तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके आगे हम इसके शब्दार्थ विस्तार से और विस्तार से इसका व्याख्या भी ले लेंगे। शब्दार्थ दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, सत सैकड़ों सहस्त्र हजारों तरल चंचल हिरण तरुण कैसा है हिरण युवा अलग नाभि ना दिखाई देने वाली नाभि जिसमें कि उसके कस्तूरी की जो गंध है वो उसे दिखाई नहीं देती, वो उसे अनभिज्ञ है। उन्माद मस्त कर देने वाली गंध परमल सुगंध धावित दौड़ते हुए कौन मृग मृग मीन्स हिरण धनपति धन का स्वामी कुबेर यक्षों का राजा अलका कुबेर की वैभवशाली नगरी व्योम प्रवाही आकाश में प्रभावित होने वाली आकाश गंगा भीषण भयावह या फिर तेज कल्पित कल्पनापूर्ण नवचुंबी आकाश को चूमने वाला मतलब आकाश को छूने वाले कौन विराट बादल कैलाश शीर्ष कैलाश पर्वत की चोटी महामेघ विशाल या विराट बादल झंझानील मतलब तूफानी हवा तूफानों से टकराते हैं विराट बादल सत सैकड़ों निर्झर झरने मुखरित व्यक्त करना निर्झरणी नदियां धवल स्वच्छ या फिर सफ़ेद कलकल की ध्वनि कानन मीन्स जंगल वन सोनित मीन्स लाल कुबलय नील कमल जो कि एक प्रकार का कमल होता है जिसका फूल नीलापन लिए हुआ होता है सतदल मीन्स इसमें सैकड़ों पंखड़ियों वाला जो कमल सैकड़ों सतदल होता है सैकड़ों पंखड़ियों वाला कमल रजत रंचित चांदी से निर्मित कुटी कुटिया कुंतल मीन्स बालों की लट मणिखंचित मड़ियों से जड़ा हुआ द्राक्षा सब होता है जो अंगूरों के द्वारा बनाई गई शराब पूरित मीस पूर्ण लवालब भरा हुआ लोहित लाल निदाग है दाग रहित मदरा रूण मदरा के कारण लाल उनकी आँखें हो गई हैं किन्नर किन्नरियों की और वो अपनी उन्माद मीस मस्त वो अपनी उससे शराब की वजह से मस्त हैं। आगे धवल मीन्स श्वेत इंद्रनील नीलमणि जो वो होता है इंद्रनील जो पन्ना रत्न होता है जिसे रत्न कहते हैं सुघड़ सुंदर इंद्रनील पन्ना रत्न सतदल और सैकड़ों पंखड़ियों वाला कमल कुबलय नील कमल का एक प्रकार कमल जिसका फूल नीला पन लिए होता है वेणी मीन्स चोटी कलामय कला से पूर्ण सुशोभित ये व्याख्या है फिर से
विस्तार से दुर्गम बर्फानी हिमालय की घाटी में सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर जो दिखाई न दे, उस नाभि से उठने वाले निज उन्माद सुगंध के पीछे जो हिरन है वो दौड़ता है, भागता है और उसे उसी खोज में रहता है। अर्थात कवि का यही कहना है कि जो दुर्गम बर्फानी की जो चोटी है, उन्होंने युवा मृग को वहाँ पर मौजूद देखा है, उसके नज़ारे को देखा है, जो दिव्य सुगंध की खोज में इधर उधर भागता फिरता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई कई बार अपना ही जो सौंदर्य है, अपनी ही मस्ती और अपनी ही मादकता तथा व्यक्ति अपने ही लिए प्रश्नात्मक चिड़ बन जाता है, तो वो अपने आप अपने ऊपर ही खींचने लगता है। जिस तरह जो मृग है वो अपने आप पर ही खींचता है, इस तरह मैंने जीवन रूपी आकाश पर मुक्तता के अनजाने बादलों को घिर घिर के आते हुए अनुभव किया है और अपनी आँखों से उन्हें उमड़ते घुमड़ते देखा है। इसका विशेष है कस्तूरी सुगंध की खोज का वर्णन है, वर्णनात्मक शैली है, कोमलकांत पदावली का प्रयोग है, प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप है, शब्द बिंब का प्रयोग है, माधुर्य गुण है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, तत्सम शब्द है और भाषा सरल है। इसमें तरल तरण में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे कवि यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया, ये फिफ्थ का है, मैं आया किंतु ना यहाँ कोई धन कुबेर का कोई नगरी है और ना कोई अलकापुरी राज्य है। जो कुबेर की ऐश्वर्य नगरी अलकापुरी, कालिदास का क्या ठिकाना, उसका कोई अता पता नहीं, जिसने विद्युतमा के विरह में मेघों को दूत बना करके भेजा था। जो यक्ष ने मतलब उसने उन्हीं के ऊपर इन्होंने कालिदास ने ये रचना की है। वो दूत हो सकते हैं, वह दूत हो सकते हैं, यहीं पर बरस गए होंगे, यहीं कहीं बरस गए होंगे, यहाँ का पता पाकर यहाँ से कहीं नहीं गए होंगे। मगर इसका कौन ठिकाना, कौन इसकी जानकारी मुझे कराए, और हो सकता है वह कल्पना की, ये कल्पना हो, कवि का मतलब कवि, ये तो कवि की कल्पना हो सकती है, वह कवि कल्पित अर्थात वह कवि की कल्पना हो सकती है। मैंने तो किंतु यहाँ पर स्वयं महसूस किया है, यहाँ मेघों को गरज गरज कर गिरते देखा है, गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखरों पर मेघों को मैंने बरसते हुए देखा है। भीषण दृश्यों को मैंने स्वयं महसूस किया है। जब मानसरोवर पर जाते हैं कवि, तो वहाँ इस तरह का वो दृश्य निहारते हैं। अभिप्राय यह है कि कल्पनाएं हम कितनी ऊंची, सुंदर और मोहक करें, पर सत्य तो यही है कि जिसे व्यवहार जगत में अनुभव किया जा सकता है, वह सत्य मधुर नहीं होता, उसे कड़वाहट होती है। विशेष कालिदास के जीवन का अंश है। कवि के अनुसार सुंदरता जन्म धरती से ही हुआ है, माधुर्य गुण है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, तत्सम शब्द है, गरज गरज में पुनरुक्ति व अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल और वह सहज है। कवि कहते हैं कि यहाँ झरने, नदी आदि देवदारू के जो घने जंगल हैं, भोजपत्रों की कुटियाँ बनी हुई हैं जिसमें झरनों की कलकल धारा प्रवाहित होती रहती है। यहाँ पर रहने वाले उन सभी लोग जो सुगंधित फूलों से श्रृंगार किए हुए हैं, इंद्रनील की माला डाले, शंख जैसे सुंदर गालों पर कुंडल लटकाए, बालों में जूड़ा किए हुए, रजत मंजीर जैसे सुगंधित मदिरा का पान किए हुए हैं, लोग घूमते हैं। लोहित चंदन की तिलपट्टी पर निर्विरोध बाल कस्तूरी आसन मुद्रा में बैठे हैं। कौन किन्नर किन्नरियाँ, जो स्त्री और पुरुष हैं, युवतियाँ हैं, जो मृत के बाल मृत मृग छाला पर
आसन लगाकर चौकड़ी मार के बैठे हैं। यहाँ के नर किन्नरियों की मदरा पान के नशे में उन्माद होकर के घूमते फिरते हैं, जश्न मनाते हैं। मैंने स्वयं बादलों को घिरते हुए देखा है, उन्हें महसूस किया हुआ है। यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है और बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया है। इसका विशेष देख लेते हैं, लास्ट वाले का। इसका विशेष है, हिमालय की प्राकृतिक छटा का वर्णन है, प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप है। किन्नर किन्नरियों की वेशभूषा व रहन सहन का वर्णन किया है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। ऐसा पहले नहीं होगा, जो कि बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। शब्द बिंब का प्रयोग है, माधुर्य गुण है। तत्सम शब्द प्रधान है, भाषा सरल है। तो यहाँ आपने इसकी व्याख्या को देखा, उसके बाद शब्दार्थ और फिर विस्तार से व्याख्या को भी देखा। तो आपको इजीली सेकंड पार्ट, ये जो पार्ट है वो सेकंड है, ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।